नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पसंदीदा मंत्री को राज्य में बलात्कार की घटनाओं के संबंध में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बावजूद आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने पर कांग्रेस पर तीखे हमले किए और सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता ने जघन्य अपराध को सही ठहराने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। वो राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल की उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने राज्य में बलात्कार के मामलों को पुरुषत्व से जोड़ा था। प्रधानमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत राजस्थान अपराध दंगे में अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने भरतपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के लोग पथराव, कर्फ्यू और दंगों के कारण होली, रामनवमी, हनुमान जयंती या कोई अन्य त्योहार शांति से नहीं मना पाए। राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर। राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की 7 गारंटियों के बारे में जनता को बताया। ये गारंटियां इस प्रकार हैं: गृहलक्ष्मी यानी परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए, गोधन गारंटी यानी 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप टैबलेट, 15 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा, सभी बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक साक्षात्कार में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना शायद देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और इस योजना का पूरा उद्देश्य सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को समृद्ध करना है। उन्होंने इस योजना को लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली में तोड़फोड़ करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था के तहत चुनाव कभी भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकते। सिब्बल ने कहा कि यह योजना सत्तारूढ़ पार्टी को फंडिंग करने के लिए लागू की गई थी जिससे वो देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम ही गलत नाम है क्योंकि उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पीछे वास्तविक मंशा पार्टी को मिलने वाली फंडिंग है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। मतदाता को पता होना चाहिए कि पार्टी को फंडिंग कौन दे रहा है। ICC वर्ल्ड कप का फाइनल कल गुजरात के अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। हालांकि फाइनल से पहले भारत के फैंस की चिंता अलग हो गई है। उनकी चिंता का कारण बने हैं अंपायर रिचर्ड केटलब्रो जो अंपायरिंग करेंगे। अंपायरों के नाम ऐलान होते ही भारतीय प्रशंसकों की बेचैनी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी रिचर्ड केटलब्रो और रिचर्ड इलिंगबर्थ को लेकर लोग काफी कुछ लिख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि रिचर्ड केटलब्रो ने ICC के जिन अहम नॉकआउट मैचों में अंपायरिंग की है उनमें भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी है। वनडे वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। केटलब्रो उस मैच में भी अंपायर थे। प्रतीक मोदी नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, प्लीज इस रविवार को हमारे ऊपर रहम करना रिचर्ड केटलब्रो। स्पोर्ट्स क्रिकेट नाम के एक यूजर ने लिखा है, हे भगवान, ये आदमी अभी भी भारत में क्यों है? उन्हें अब तक इंग्लिश टीम के साथ चले जाना चाहिए था। विक्रम कुमार पांडा नाम के यूजर ने लिखा, डर का माहौल है, रिचर्ड केटलब्रो अब फिर आ गए। श्रीधर नाम के यूजर ने लिखा है, हेलो पाकिस्तान, फाइनल मैच में रिचर्ड केटलब्रो अंपायर हैं, अब तो मान लो कि ICC को BCCI नहीं चलाता है। स्पोर्ट्स कीड़ा ने उन मैचों का एक ग्राफिक शेयर किया है जिसमें रिचर्ड केटलब्रो के अंपायर रहते हुए भारत को हार का सामना करना पड़ा। वनडे वर्ल्ड कप 2015 सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, T20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया, वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारतीय क्रिकेट टीम सहित देश भर के विभिन्न संस्थानों का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जिनकी प्रैक्टिस जर्सी अब भगवा रंग की है। सेंट्रल कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगधात्री पूजा के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा, वो पूरे देश को भगवा रंग में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वो विश्व कप में चैंपियन बनेंगे, लेकिन भाजपा वहां भी भगवा रंग लेकर आए और हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में अभ्यास करते हैं। मेट्रो स्टेशन को भगवा रंग में रंग दिया जाता है, ये हमें अस्वीकार्य है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा गाँव में सुरंग में फंसे करीब 40 मजदूरों को निकालने का काम 7वें दिन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शनिवार को एक और मशीन को इंदौर से एयरलिफ्ट कर टनल तक पहुंचाया गया है। इंदौर से मंगवाई गई ये तीसरी अमेरिकन ऑगर मशीन टनल के पास शनिवार सुबह 11 बजे पहुंच गई थी। बीते शुक्रवार सरकार की हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खलगो ने बताया, अगर ये मशीन कहीं रुकती है तो इंदौर से मंगवाई गई मशीन की सहायता से हम आगे का काम कर सकेंगे। उनका कहना था कि टनल में मौजूद मलबे में 24 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है। इसके अलावा कहीं और से रास्ता खोजने पर भी एक्सपर्ट सलाह मशवरा कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है।
आगामी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इन 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनाव का नतीजा आ रहा है। माना जा रहा है कि इन नतीजों से ही तय होगा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। तमिलनाडु विधानसभा ने 10 विधेयकों को पारित करने के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया। राज्यपाल आरएन रवि ने इन विधेयकों को सहमति देने के बजाय रोका और फिर सरकार को वापस लौटा दिया। शनिवार को सदन ने इन्हें फिर से पास कर दिया। बिल जब फिर से पास किया जा रहा था तो AIADMK और भाजपा के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के तहत जब विधानसभा एक ही विधेयक को दोबारा अपनाती है तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अपने खिलाफ दर्ज FIR पर शिवसेना सांसद आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात यह है कि सरकार खुद इल्लीगल है तो वो कैसे अवैध घोषित कर रहे हैं। मेरे ट्वीट करने के बाद उन्होंने मेट्रो खोल दी, ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया था या उन्होंने ऐसा किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो मुख्यमंत्री अवैध है, अनैतिक है, उसके पास जनता के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए समय नहीं है, इसलिए हमें खोलना चाहिए, ये जनता के लिए है। अगर वो मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये जनता के लिए है, मैं लोगों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। मैं उन्हें मुंबई नहीं लौटने दूंगा। बता दें, मुंबई पुलिस ने कहा है कि आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ लोअर परेल में रोड ब्रिज का अवैध रूप से उद्घाटन किया। पुलिस ने कहा कि पुल यातायात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और पुल को खोलने के लिए मुंबई नगर निगम से कोई अनुमति नहीं थी। BMC अधिकारी ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने आदित्य ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। इजरायली सेना ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसने मरीजों और मेडिकल कर्मचारियों को अलशिफा अस्पताल खाली करने का आदेश दिया था। सेना के बयान में कहा गया है, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि IDF ने कभी भी मरीजों या चिकित्सा टीमों को निकालने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय सेना ने दावा किया कि उसने शिफा अस्पताल के निदेशक के अनुरोध का जवाब दिया ताकि उन लोगों को चिकित्सा सुविधा में आश्रय दिया जा सके। सेना ने यहां तक कहा कि जब भी चिकित्सा निकासी के समन्वय का अनुरोध किया जाएगा, हम इसे सुविधाजनक बनाने और रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजने के लिए काम करेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा है कि उत्तरी गजा में एक किंडरगार्टन और एक प्राइमरी स्कूल के अंदर IDF सैनिकों को RPG, मोर्टार, गोले और अन्य हथियार मिले हैं। IDF ने कहा है कि किंडरगार्टन में खिलौने रखने चाहिए, घातक हथियार नहीं। इससे पहले IDF ने कई स्कूलों पर बमबारी की, हालांकि उनमें कक्षाएं नहीं चल रही हैं। हालांकि फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गजा में खान यूनिस शहर पर इजरायली बमबारी में कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजरायल की ओर से गजा में ईंधन जाने पर लगाई गई रोक में दी ढील पर्याप्त नहीं है। बता दें, इजरायल ने गजा में हर दिन तेल के 2 टैंकर ले जाने की इजाजत दी है। व्हाइट हाउस और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा के मानवीय संकट को देखते हुए ये काफी नहीं है। इसराइल पर दुनिया भर से घेरेबंदी हटाने का दबाव बन रहा है। गजा की 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनी यानी कि पॉलटेल और जावाल ने बताया है कि गजा में मोबाइल फोन नेटवर्क को आंशिक तौर पर बहाल कर लिया गया है। इस बीच इसराइल की ओर गजा में बमबारी जारी है। बता दें, इससे पहले अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव पर अलग राह ली। गजा में मानवीय सहायता के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी या स्थायी सदस्य ने रोकने की कोशिश नहीं की। अमेरिका, जो अक्सर ही इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देता था, वो भी वोटिंग के दौरान गैर हाजिर हो गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अमेरिका के कारण सुरक्षा परिषद में इजराइल के हितों की रक्षा होती रही है, लेकिन अब अमेरिका इस परंपरागत नीति से अलग ज्यादा दिख रहा है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने शुक्रवार को अपने CEO सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा खो दिया है। इस घटनाक्रम के चंद घंटों बाद इस कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन ने घोषणा की कि उन्होंने पद छोड़ दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब भारत में PM मोदी, रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ और काजोल सहित कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के डीपफेक मामले सामने आए और इसे AI का बेहतर औजार नहीं माना गया। इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान खान की Tiger 3 ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 245 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और विदेशी स्क्रीन से इस फिल्म ने 79 करोड़ रुपए की कमाई की है और इस तरह फिल्म की कमाई 324 करोड़ के आसपास हो चुकी है।
फिल्म की सफलता पर सलमान खान ने कहा कि टाइगर फ्रेंचाइजी की सफलता उनके लिए बहुत पर्सनल है। उन्होंने कहा कि ये तारीफ मेरे लिए सफलता की हैट्रिक की तरह है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा किरदार है जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस किरदार में आने के लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, इसलिए इसकी सफलता खास है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।